विगत वर्षों की बात, ये संगठन का फाउंडेशन डे आज आप पुनः हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। अभी डायरेक्टर साहब कुछ ही पलों में आपके पास उपस्थित हो रहे, वहाँ से निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, और पीछे देखा जी, एक विनम्र अनुरोध है कि आप पाछे आगे आ जाइए, जो सीट खाली है इसको बैठ जाइए। और इसके बाद हमारे कार्यक्रम उसी प्रकार से जैसा कि आपको सूचना दी गई है, सबसे पहले हम अपने साथियों को, जो पूर्व साथी जो रिटायर हो गए हैं, उनको सम्मानित करेंगे, और इसके बाद जीवीएम देन हमारा जो इवेंट्स है उसको आगे बढ़ाएंगे। मशहूर कवित्री शशि श्रेया जी आपके बीच में आज उपस्थित होंगी, लेकिन कुछ शेड्यूल के कारण हमारा चेंज रहेगा, उनका प्रोग्राम रहेगा जीवीएम के बाद, क्योंकि उतना समय नहीं है। अचानक निदेशक महोदय के समय न होने की वजह से अचानक ये प्रोग्राम हमको बिफोर लंच करना पड़ा, अदरवाइज़ ये शाम को था। तो अभी सबसे पहले हम निदेशक महोदय का स्वागत करेंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। निदेशक महोदय दीप प्रज्वलित कर और रजिस्ट्रार महोदय जो कि उपस्थित हैं, एक बार डीडी साहब को और हम कॉल कर लेते हैं, उनको भी आना था, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम में बिजी होंगे तो नहीं भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास निदेशक महोदय रजिस्ट्रार साहब आ चुके हैं। तो कुछ हम ब्रेक करेंगे, ज़रा निदेशक महोदय को बाहर से ले लेता हूँ, इसके बाद इसकी कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये अपना फाउंडेशन डे का कार्यक्रम निदेशक महोदय से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निदेशक महोदय और रजिस्ट्रार साहब का हम स्वागत करते हैं, जो हो कि अपना अमूल समय, वो बिजी होने के कारण भी इन्होंने 5 मिनट का समय दिया हुआ था मुझे कि मैं ज़रूर तुम्हें समय दूंगा, तो वो निकाल करके आए। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूर्व की भांत अपना समय निकालते हुए किया। तो पहले दीप प्रज्वलन, इसके बाद हमारे कवियों का 2 मिनट स्वागत करेंगे, और जल्दी जल्दी मैं सर को फ्री करने की कोशिश करूँगा। जो हमारे कवि यहाँ पे उपस्थित हैं, लोकेश त्रिपाठी जी एंड शशि श्रेया जी, कृपया यहाँ पर आ जाएं। तो उनको बुला लीजिए यहाँ, बुला लो, आ जाइए, बुला लीजिए उनको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारे दोनों कवियों को साल उड़ाकर और अपने संस्थान के लिए उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद 2 शब्द और जल्दी जल्दी फ्री कर। तो सबसे पहले लोकेश जी, वो अरे प्रगति मैडम, तो निदेशक महोदय और रजिस्ट्रार महोदय, साल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे, एंड शशि मैडम दोनों कवियों का ठीक कर दो। अभी इसी कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी हैं राजेश जी एंड सारे पदाधिकारी, पांचों लोग ऊपर आ जाएं। निदेशक महोदय और रजिस्ट्रार साहब का बुके देकर स्वागत करेंगे। और आप लोग स्वागत करें बुके, एंड इसी कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अपना निदेशक महोदय के
यहाँ ज्वाइन करने के पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे कार्य जो हमारे संस्थान के एम्प्लॉयज़ के फेवर में किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य थे। एक तो जो ये आप फाउंडेशन डे मना रहे हैं, ये क्रियान्वयन करने के लिए सिर्फ हमारे निदेशक महोदय का ही योगदान है। इन्होंने 2016 में संगठन को दोबारा खड़ा किया था। उस समय तक संगठन यहाँ पर नहीं था, जो था उसकी कंडीशन क्या थी आप लोगों ने देखी थी, लेकिन आज जो फाउंडेशन डे मना रहे हैं वो आपकी ही कृपा दृष्टि है। दूसरा, प्रमोशन पॉलिसी जो आप प्रमोशन पा रहे हैं वो भी निदेशक महोदय का ही किया हुआ है। मैं उस मीटिंग में था, मैंने देखा था, लोग चाहते थे कि पॉलिसी ना हो, लेकिन उस समय निदेशक महोदय ने ही अपना इनिशिएट लेते हुए और प्रमोशन पॉलिसी लागू की थी। और दूसरी चीज़ जो ये बोनस पा रहे थे, जिस समय बोनस कहीं नहीं मिल रहा था, वो हमारे निदेशक महोदय ने उस समय जो निदेशक महोदय थे उनसे स्पेशली रिकमेंडेशन करा करके अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हुए इनको दिलवाया था स्टाफ को, जब बोनस मिल रहा था। इसके बाद बोनस बंद होते ही होते हुए विदाउट डिसकंटिन्यू करते हुए कंटिन्यू आज तक जो इंसेंटिव मिल रहा है वो भी देन हमारे निदेशक महोदय की है। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग ये समझ लीजिए, जो कहते हैं कि संस्थान कुछ करता नहीं है। और हर स्टेज पे स्टाफ को जो फेवर करते हैं वो निदेशक महोदय ही करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं था। अब मैं अभी रिसेंटली बता दे रहा हूँ, निदेशक महोदय का ये पुराना हो गया जिस समय सर डिप्टी डायरेक्टर थे। अभी जब से ये बने हुए हैं तब से मैं बता रहा हूँ, आते ही इन्होंने ग्रुप बी एम्प्लॉई को जो प्रमोशन 6 साल 5 साल में होता था उसको प्रमोशन को 4-3-3 अप्रूव्ड करा करके ये पहली प्रक्रिया है। 3 दिन, मात्र 3 दिन हुए थे जब बीओजी में गया था, लेकिन सर ने अप्रूव करा दिया था। दूसरा, ग्रुप डी एम्प्लॉई, जो कि ये प्रक्रिया शायद मुझे लगता है कि 200 साल से चल रही थी, ग्रुप डी खत्म हो गया, लेकिन ख़त्म करने का जो डिक्लेरेशन हुआ, जो अप्रूवल हुआ, वो ग्रुप डी को सी एम्प्लॉई बनाने का काम सिर्फ निदेशक महोदय ने किया। जो अभी तक देख रहे थे तो ग्रुप डी एम्प्लॉई था, ग्रुप डी एम्प्लॉई अब संस्थान में नहीं है, लेकिन ये भी क्रियान्वयन निदेशक महोदय ने किया। अभी का जो इंसेंटिव है इस साल का, वो भी इंसेंटिव निदेशक महोदय ने अप्रूव कर दिया है, जो मुझे जानकारी मिली है अप्रूव कर दिया है, और आपको जल्दी ही मिलेगा। अब फाइनेंशियल पोजीशन जैसा संस्थान की होगी वैसा ही होगा। और आपकी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो हमने सर को बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है संस्थान में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम, तो निदेशक महोदय ने कहा कि जब मैं मुझको डांट करके कहा कि जब मैं बोल रहा हूँ कि होगा तो इट मीन्स होगा, मतलब जो भी व्यवस्था होगी हम मैनेज कराएंगे। ये भी अप्रूव्ड, मैं मतलब हतोत्साहित था कि प्रॉब्लम होगी कैसे करेंगे, इधर व्यवस्था कर लें बाहर कर लें, उन्होंने कहा नहीं मैं कराऊंगा, उसको भी अप्रूव किया। जो संस्थान में निदेशक महोदय ने किया, मैं ऑल आईटी कोऑर्डिनेशन में जाकर के बोला हूँ, किसी डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा कि जो मेरे संस्थान में है वो किसी संस्थान में नहीं। आज आप नंबर 1 पर हैं, अब आप महसूस करें ना करें, मुझे लोग बहुत फ़ोन करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है आज आप नंबर 1 पर हैं तो सिर्फ निदेशक महोदय की वजह से हैं। लेकिन आप रिलाइज तब करते हैं जब समय निकल जाता है, जब वो समय निकल जाता है तब आपको याद आता है। अभी मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वो तो कॉन्फिडेंशियल बात है, दीपावली के पहले आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। अब रही बात फंड की, संस्थान की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके हिसाब से पूरा संस्थान को देखना होता है, तो जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल होता है। सब लोग तो ये चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, पैसे के लिए ही पूरा काम ही करते हैं। सो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप भी संस्थान को ध्यान में रखें, सब लोग काम करिए, जो आपका काम है आप करिए और जो सर का काम है वो करेंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी स्टेज पर सर ने मना नहीं किया सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेशनल करने। मैं बता रहा हूँ कि सर ने ही 5 साल किया था, बाद में 6 साल पॉलिसी कर दी, सर ने बोला मैं इसको 5 साल कर दूंगा कि जैसा था वैसा कर दूंगा, वो गलत लिखा था सही लिखा था, कितना अमेंडमेंट पॉलिसी में किया है आपको नहीं पता होगा, वो अमेंडमेंट आपको दिखेगा। 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 18 पॉलिसी लागू हुई थी, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ और सर ने आते ही उसको अमेंड कर लिया। कोई और होता तो 2 साल तो कमेटी बनती इसके बाद अमेंडमेंट होता, अभी आप ऐसा कुछ नहीं होता है, कमेटी बनी रिजल्ट आया अमेंडमेंट हो गया, तो जो भी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट था सब कर दिया है। अभी मैं सिर्फ रजिस्ट्रार साहब से 2 शब्द और डायरेक्टर साहब से 2 शब्द कहवाऊँगा, और इसके बाद क्योंकि बहुत कम समय है, वो तो आपके लिए उन्होंने समय निकाला, इसके लिए दोबारा फिर ताली बजा कर स्वागत करिए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है कि आप उसको सोच नहीं सकते हैं।
तो उसको ध्यान में रख के आप चाहें कि डायरेक्टर साहब डेली, मतलब ऐसा है कि जब चाहें तब बुलाएं मिल जाएं, जब चाहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं रजिस्ट्रार साहब से दो शब्द के लिए बोलूँगा, दो शब्द हमारे साथियों को दिशा निर्देश दें। इसके बाद धन्यवाद राकेश जी। सो राकेश जी ने उपलब्धियां आपको बताई पिछली, और बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है इस समय संस्थान में, और हमको इस मोमेंटम को बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के हमेशा हृदय में रहनी चाहिए कि हम आईआईटी में काम करते हैं, और आईआईटी में काम करना ही अपने लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, एक गर्व का विषय है। मैं अपना आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैंने आईसीआर में मैं था इसके पहले, तब हमारा सपना था कि मैं किसी सीएफटीआई में ज्वाइन करूं, फिर मैंने आईएम मुझे मिला, तब हुआ कि नहीं अब आईटी मिलना चाहिए, तो आईटी में आया, फिर हुआ कि नहीं अब बड़ा आईटी मिलना चाहिए, तो बड़े आईटी में आ गए। तो अब भारतवर्ष में मेरे ख्याल से अब इसके बाद मेरे लिए एटलीस्ट कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ आपको ये है कि आईटी में काम करना एक गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ में अपनी जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। जो आप लोगों के अधिकार हैं, जो कर्मचारियों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर करना चाहिए, वो निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस में हम लोग सब समय समय पर टेकअप कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और राकेश जी टाइम टाइम पे हम लोगों को आके रिमाइंड भी कराते रहते हैं कि सर ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। तो अधिकारों के लिए सजग होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो हमारा कर्म है, ये हमारी कर्म भूमि है, और जब संस्थान उन्नति करेगा तभी हम उन्नति करेंगे, उसको भी हमको हमेशा अपने माइंड में रखना है और उसको साथ लेकर ही चलना है। आप सभी लोग अगर अब गेट के बाहर जाएं और बोलें कि मैं आईटी में काम करता हूं, तो लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। केवल दुकानों पर मत बोलिएगा, नहीं तो ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आईटी वालों के पास बहुत पैसा है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। अभी राकेश जी से पूछ रहा था कि आज आपका स्थापना दिवस भी है, तो बोले कि बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे डेट्स हैं लेकिन आज हम मना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कहीं पर भी एक डेट आपने फिक्स करी, अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई इस अवसर की, और इसी तरह आप संस्थान की उन्नति में अपना योगदान दें, हम सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो निदेशक साहब के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों को जानकारी नहीं, कुछ लोग नए होंगे, मुझे बहुत डांट पड़ी है सर के द्वारा। मैं बता रहा हूँ, आप कल्पना नहीं करेंगे, मुझे इतनी डांट पड़ी है। मुझे एक लाइन की एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था, एक बार मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी से लिखवा दिया और वो गलती हो गई, तो सर ने तो वाच कर लिया कि किसी का लिखा हुआ है, इनका है नहीं, उनको पता था। तो मुझे बहुत डांटा था, बोला आप जो ये कर रहे हैं इसको ठीक कर लीजिए। एक बार एक बैनर का मैटर था, उसमें कुछ लिखवा दिया था, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था एक्चुअली उर्दू में, मैंने सोचा ऐसे ही लिखे जाते हैं, मैंने भी लिखवा दिया। तो जैसे कि ये मिट्टी का घड़ा होता है ना, तराश तराश के सर ने इस स्थिति बनाया। अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो कुछ ही समय बचा हुआ है। आप लोग उस परंपरा को बनाइए और जिम्मेदारियों को निभाइए आगे, कैसे चलना है कैसे, वो तो मेरा सिर्फ ये कहने का है कि आप अपने कर्तव्यों का भी साथ में पालन करिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो 5 साल हैं, ये इससे अच्छा समय अब आपके लिए नहीं आएगा फॉर एवर। ये पहले भी अच्छा था ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अभी जो आया हुआ है, क्योंकि सर यहीं के हुए हैं, यहीं से आए हैं, यहीं पर रहे हैं, उनको सबके बारे में मालूम, मेरे बारे में मालूम है, आपके बारे में मालूम है, अफसरों को बारे में मालूम है कि अफसर कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे कराते हैं, क्या मतलब करना चाहिए उनको, किस समय पे क्या करें तो उनका फ़ायदा हो जाए, वो सब कुछ पता है उनको, बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं 2 शब्द सर से बोलूँगा रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारे उनको आशीर्वाद स्वरूप दें, और एक सरस्वती वंदना बहुत छोटा सा आप बस करिएगा, शॉर्टकट, और बस सर को, सर लेट तो नहीं हो जाना, नहीं बस दो मिनट की सरस्वती वंदना और 2 शब्द बस इतना करके, और सर को विदा करेंगे, क्योंकि इतना टाइम दे दिया, बहुत अमूल्य समय दिया सर। राकेश जी ने बहुत तारीफें करी है मेरी कि मैंने क्या क्या किया कर्मचारियों के लिए। मेरा मानना है कि कर्मचारी जो भी काम करते हैं संस्थान के लिए करते हैं, तो उनके भले के लिए जो भी संभव होना है संस्थान को भी करना चाहिए। तो संस्थान को अपनी तरफ से जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से निभानी चाहिए,
ये पूरा संस्थान का परिवार है, परिवार के सारे सदस्य का सारे सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संस्थान की कुछ आशाएं भी रहती हैं कि परिवार के सदस्य जो हैं वो जो काम उनको दिए गए हैं उसको पूरी लगन से करेंगे। उसमें कभी कभी चूक हो जाती है और उस पॉइंट पे मैं, क्योंकि वो बहुत, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत मेरी तारीफें होंगी तो कुछ मेरी नेगेटिव पॉइंट भी आपको मालूम होने चाहिए कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने देखा है अभी एपार के रिव्यू मैंने लिया जो कि लगभग सारे स्टाफ को 8 पॉइंट या उससे ज़्यादा मिले हुए हैं, हर लेवल के स्टाफ में देखें, कुछ ही लेवल की कम बात नहीं करूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कंप्लेन बहुत सुनने में आ रही है कि लोग स्टाफ काम नहीं करता, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, या फिर अगर कंप्लेन आ रही है तो व्यापार इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये मैं निश्चित करूँगा अगले साल से। तो मेरे हिसाब सबसे अनुरोध है, अपेक्षा है कि कोई कंप्लेन वाली समस्या नहीं आएगी, सब बहुत अच्छा करेंगे, सबकी अपार बहुत हाई आएगी, उसमें कोई समस्या नहीं। तो इसी आशा के साथ आप सबको संस्थान जीवन की शुभकामनाएं और आप कार्यक्रम का आनंद लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद निदेशक महोदय। बस एक कविता सरस्वती वंदना, और इसके बाद निदेशक महोदय जाएंगे, हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत बहुत आभार सर, अभी इतनी तारीफ आपकी हुई, इस संस्थान की हुई। अभी रजिस्ट्रार सर कह रहे थे कि हम यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के एम्प्लाई हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है सर कि आपकी उपस्थिति में हमें कुछ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये जिस तरीके का यहाँ माहौल है सर, वो स्टाफ एसोसिएशन नहीं, ये परिवारों का एक एसोसिएशन लग रहा है। बहुत ही सहृदयता से लोग बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक सरस्वती वंदना का अनुरोध हुआ है, तो सर का समय बहुत ही कीमती है और हम लोग समझ रहे हैं, हमारे बीच में एक देश की जानी मानी सुप्रसिद्ध कवित्री शशि श्रेया जी हैं। मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। माँ वागेश्वरी को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, निदेशक महोदय जी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसे परिवार की तरह तराशा है। आपका बहुमूल्य समय, आपको कहीं जाना है, आइए सीधे सीधे माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन कर लेते हैं, उसके बाद यह कार्यक्रम संपूर्ण होगा। शारदे 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 शारदे, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे हमारा परिवार हो, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की स्तुति करते हैं कि हे सुनासा पखारूं मैं तेरे चरण, इस सुता को भी रख लीजिए माँ शरण, ये वरद हस्त यदि मेरे सिर पर रहे, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन मरण, वत्सला की तरह प्यार दे शारदे शारदे शारदे। और हम भारत वर्ष के पुत्र और पुत्रियां हैं, हमारी मनोभावना क्या होती है कि हो वे परिपूर्ण खुशियों से मेरा वतन, प्रीत और रीत से हो सुगंधित सुमन, भाईचारे की ऐसी बहा दे पवन, सिर्फ मनुता रहे ना हो दूषित मन, ये
दिवा स्वप्न साकार दे शारदे शारदे शारदे। और आज जिस कार्य के लिए हम साहित्यकार यहाँ पर बुलाए गए हैं, हमारा काम है समाज को एक नई दिशा देना, तब अंतिम निवेदन माँ से करती हूँ। हर सृजन में मनुजता का उद्धार हो, हर सृजन में मनुजता का उद्धार हो, वेदना हास्य और ओज श्रृंगार हो, हस्त की तूल का नाश तम का करे, दिव्य रूपी सरस शब्द भंडार हो, कंठ मृदु स्वच्छ सुविचार दे शारदे शारदे शारदे। और मैं अपना स्थान लूं उससे पहले चार पंक्तियां और आप सभी को नमन करते हुए सौंपती हूं कि पद्मिनी लया का ले आशीष का व्यपाठ करूं, ध्यान श्री पदा का विराम करती हूं मैं, त्रिया त्रिगुणा त्रिमूर्ति जटिला सुना सा भामा पंक्तियां मां शारदे के नाम करती हूं मैं, विद्या रूप विनिदा विद्याधर सुपूजिता ये हृदय सौदामिनी का धाम करती हूं मैं, समक्ष सुधी जनों की काव्य प्रति प्रीत देख कर बद्ध होकर प्रणाम करती हूं मैं। अभी 5 मिनट में हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे निदेशक महोदय को अभी सिया छोड़ने के बाद, इसके बाद फिर कार्यक्रम। अभी हम लोग अपना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो हमारे पूर्व साथी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके स्वागत करते, और विशेष अनुरोध यह है कि हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, ये आपका कार्यक्रम है और ये थोड़े समय बाद अभी जीवीएम होगी। जीवीएम कोई इंडिविजुअल किसी की नहीं होती, किसी की कोई समस्या है, कोई डिस्कशन करना है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ तक, किसी की बात नहीं पहुंच पा रही है, उसका माध्यम जीवीएम होता है। एक हमारे साथी अब पता नहीं उपस्थित है नहीं है, रात में 10 बजे फ़ोन किए थे मुझे, आज बोले थे वो एजेंडा मुझे नहीं मालूम। हमने कहा इसमें कोई ऐसा एजेंडा तो है नहीं, लेकिन अगर आपका कोई एजेंडा है तो बताइए। तो मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, सवेरे बात करूँगा। मैंने सवेरे उनको कॉल किया तो बोले मैं सो रहा हूँ। हमने कहा 5 बज गया है, आज की बात बता रहा हूँ, मैंने 5 बजा, मैं 4 बजे जगता हूँ इसलिए मैं सो जाता हूँ थोड़ा जल्दी, सॉरी, अब आप बताइए। तो खैर मैंने उनको जगा दिया तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए। हमने कहा शायद आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी रखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है, और कोई एजेंडा हो तो मुझे बताइए, मैं उसको एजेंडा ले जाऊंगा। और जीवीएम का मतलब ये होता है जीवीएम के माध्यम से जो अथॉरिटी को हम बात पहुँचाते हैं उसका वेटेज ज़्यादा होता है, कि हमारे जीवीएम में ये निर्णय लिया गया कि ऐसा किया जाए। माध्यम हम ही रहेंगे, माध्यम संगठन रहेगा, लेकिन जीवीएम में हो सकता है कोई चीज़ मुझे नहीं पता हो, आपको पता हो, किसी स्टेज से जो गुजरता है उसकी समस्या उसी को मालूम होती है, जो जिस रूट पे ट्रैवलिंग करता है उसको ही पता होता है कि रास्ता कैसा है, जाम किधर है, किधर से नहीं जाना, किधर जाना, तो मुझे सारी बात नहीं मालूम हो सकती है, तो इसलिए जीवीएम माध्यम होता है। और जीवीएम में जब लोग आते नहीं हैं, एक उचित स्थान पर उचित समय पर नहीं आते हैं, इसके बाद फिर मुझे बताते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमारा स्वभाव ऐसा है कि मैं बोल देता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। ये प्लेटफार्म है, सबको बताया गया है, हो सकता है किसी को मेल ना गया हो तो मैसेज गया होगा। जीवीएम साल भर बाद हो रही है, आप सोचिए अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर के बाद हो रही है जीवीएम, और जीवीएम के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं आप, इसके बाद कहते हैं कि वो हमारा मेडिकल का 15,000 रुपये काट लिया गया, और जो डॉक्टर उन्होंने बताया था शर्मा जी को हम चले गए, वर्मा जी के यहाँ, वो 15,000 कैसे मिलेगा, जब जेब से दे आते हैं उसके बाद बताते हैं आके। तो वो अगर जीवीएम में डिस्कस करें तो हो सकता है सत्येंद्र जी बता दें या ये मिश्रा जी बता दें कि भाई मेरा ऐसे ऐसे हुआ था, आप भी ऐसे ऐसे करिए, तो उसमें आना पसंद नहीं करते हैं, और संगठन से कहते हैं कि आप ये नहीं करवा पा रहे, वो नहीं करवा, संगठन कुछ होता ही नहीं है। जो आप लोग दिख रहे हैं वो तो थोड़ा सा इज्जत बचा ली आप लोगों ने, नहीं तो यहाँ पे 20 ही लोग उपस्थित थे और कुछ नहीं होता, वो चले भी जाते, वो ये भी बोल देते, बोल रहे थे कि मैं नेगेटिव भी हूँ, सुन रहे थे आप, तो वो यही चले जाते कि बोलूँ क्या, इनको क्या बोलूँ, आपका संगठन में तो 650 मेंबर है लेकिन यहाँ पे तो इतने ही लोग आए हैं, और अच्छा हुआ कि मेन ऑडिटोरियम ले लेते तो और ही दूर दूर बैठते तो एक ही 2-4 लोग दिखते, ये तो 200-250 की स्ट्रेंथ वाला है। तो आप लोग, ये आपका कार्यक्रम है,
देखिए आज ये लोग रिटायर हुए हैं, कल हम रिटायर होंगे, परसों आप रिटायर होंगे, इस परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। कैसे आप लोग सोच लेते हैं कि नहीं नहीं सारा शेड्यूल गया हुआ, सारी बात गई हुई, आप मुझसे पूछिए कि किस कंडीशन में इसको मैंने इस बार कराया। 24 तक सारी अथॉरिटी बाहर थी और इसके बाद डायरेक्टर साहब को अभी दिल्ली निकलना, अभी यहां से जाने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। इन्होंने कहा मैं 11:15 ही टाइम मेरे पास है, तो हमने कहा हम 11:15 बजे करा लेंगे। तो 11:15 बजे टाइम किया तो उसमें क्लास चल रही थी L17 में, बोला हम नहीं दे पाएंगे। ऑडिटोरियम के कह दिया पैसे दीजिए, इसके भी पैसे दीजिए। हमने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, पैसा तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज ऐसा है नहीं संगठन के पास जो पैदा करता हो, क्योंकि हमने अभी तक पैसा दिया नहीं। किससे आप लेते रहे? बोले उस समिति से लेते रहे, उस समिति से लेता हूँ। हमने कहा मुझे समिति का पता नहीं, लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो बोले पैसे के लिए बोलो तो मैं अप्रूव कर दूँ। हमने कहा नहीं पैसे ऐसे तो है नहीं मेरे पास, ये बात आप दिमाग से हटा दीजिए, मुझे अप्रूवल चाहिए और सबेरे हम करा लेंगे। हो तो 1 बजे के बाद जाता है, 1 से 3 भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आते फिर उसका मजा नहीं आता। हम लोग तो कहीं बैठ लेंगे, कम से कम उनको भी तो पता रहे कि हम लोग ये है, इसलिए उनको तो थोड़ा बताना पड़ता है कि सच बात कह रहा हूं मैं कि ये जितना मैंने बोला इन्हीं ने कराया है, और जो करा रहे हैं वो भी यही करा रहे हैं। इतना एक्टिव पर्सन बहुत कम होता है जो खुद ही गाड़ी अपने दरवाजा खोले, खुद ही दौड़ के जाए, खुद ही आ गया। वो तो नहीं तो निदेशक आ जाता है, कुछ निदेशक ऐसे आते रहे, ऐसे ऐसे कर देते थे, बस हो जाता था काम। वो कान फोन लगा के नमस्ते जवाब ही नहीं देते थे। तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो सम्मानजनक स्थिति हो गई, इतना बड़ा ये हाल भी नहीं था, लेकिन सुनने वाले थे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितने लोग आए, तो मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्टिव लोग बस इतने ही हैं संस्थान में, लेकिन पूछने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि मेरे पास कॉल आता है पूछने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, क्रिटिसाइज वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बताते हैं कि 2 लाख का प्रीमियम क्यों है, ज़्यादा का क्यों नहीं है, होना चाहिए इतने लाख उतने। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले ये तो बताओ कि किसको नहीं मिला है, एक एग्जाम्पल तो लाओ। वो भी किसी ने अभी फ़ोन किया था सवेरे कि 2 लाख का मैं ज़्यादा करा दो। हमने कहा आपको नहीं मिला? कि नहीं नहीं 2 लाख के ऊपर मिलता ही नहीं है। हमने कहा प्रमोद शर्मा का अभी 1 हफ्ते पहले कैशलेस डिस्चार्ज हुआ है जब, तो उसको 2.5 लाख कुछ था। हमने कहा पूरा पैसा मिला है? तो क्या प्रमोद शर्मा कोई रिश्तेदार है क्या रक्षा टीवी वाला? उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे होना। मैंने कहा एक चिट्ठी अपना लिख के भेज दो, बस हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम आप लोग उपस्थित हुए, ये पूरा आपका कार्यक्रम है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा है या किसी और के संबंधित है, सबसे संबंधित है, सबको अपनी प्रॉब्लम, ये कोई जिम खाना थोड़ी ना है, हल्ला उल्ला करके वो फलाने चेयरमैन बैठ गए, ये एयर चेयरमैन कुछ नहीं, ये सिर्फ इज्जत आपकी बची हुई है। सारे संस्थान के जितने प्लेटफार्म थे एसोसिएशन के सारे बंद हो चुके हैं, ये आपको पता है, और हमको भी नोटिस मिला था इसी संबंध का। सबको पता है जो मेरे नज़दीक रहते हैं, मैं दिखा दूंगा नोटिस, उसमें मिला था कि आपने ऐसा किया ऐसा करके ऐसा गोलमोल करके बंद कर दिया। हमने कहा नहीं वो ऐसा नहीं किया है, इसको बंद मत करिए और नहीं बंद हो पाएगा, उसका मैंने दे दिया रीजन। तब भी उसी समय की बात है जब वो ओथ हमने चुपचाप करी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे हमने कहा ओथ ले लें, नहीं तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, कहाँ गए आनंद भैया, वो बैठे देखो पीछे, कि हम हैं अध्यक्ष, हम हैं, पैसा निकालेंगे वो अकाउंट वाले, क्या मीनिंग है इसका, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनको भी सहयोग करना चाहिए सबको। आपको मेंबर हो 30 रुपये दे रहे हो, 30 रुपये मैं दे रहा हूँ, पैसा संस्थान में जा रहा है, संस्थान में कैसे जाएगा? हमने तो कह दिया मैं पैसा दूंगा ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था। ये परमिशन हमको शाम को मिला 6:30 बजे, हमने कहा जब मिले, लेकिन हमें परमिशन मिलेगा और पैसा मैं नहीं दूंगा। DOD इसके हेड है, उन्होंने बोला कि पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा, अप्रूवल मैं दे दूंगा। नहीं, हमने कहा आप बात करिए डायरेक्टर साहब से, डीडी साहब, हम पैसा एक नहीं देंगे और लिखित में परमिशन चाहिए मुझे। तब ये क्लियर हुआ। आज सवेरे इनको पता चला आउटरीच वालों को कि यहाँ बुकिंग है। हमने कहा देखिए ऐसा, तो ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, सब लोग और कोई सीनियर हो कुछ हो, सब लोग अपना इनका स्वागत करिए, बड़ी अच्छी बात है। पिछली बार से थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ये चेंज किया कि वो सस्ता मद्दा साल वाल ले जा करके दे दिया। अरे ये हमारे सब सीनियर हैं, कल हम सीनियर होंगे, परसों आप सीनियर होंगे, ये यार थोड़ा सा एक मेंटेन करिए। तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित जरूर है, बिना सहयोग के अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, जब अभी वो कौन सी ट्रेनिंग थी मैं भूल जाता हूँ, CPR की ट्रेनिंग के लिए मैं मैसेज किया, तो एक बंदा मुझे बोला यहाँ उपस्थित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कह रहा हम मरेंगे तो मैं तो अपने ऊपर लागू नहीं कर पाऊँ। हाँ है यहाँ पे, मैं मरूँगा मेरे काम नहीं आएगा तो हम दूसरे को भी मरने दें। गजब यार आदमी हो, कैसी बात करते हो तुम लोग। अरे कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ तो लोग ऐसे ही उठा लेते हैं, जितना हेल्प कर सकते कर देते हैं, मेरे जो काम है
वही काम करना चाहिए जो मेरे काम, मेरे तो कुछ काम नहीं आया, ना तो मेरा प्रमोशन हुआ ना, और हमारे लिए प्रमोशन की तो वैकेंसी निकली 5, सबको पता होगा, और इन्हीं ने कहा था तुम्हारा हो जाएगा प्रमोशन, हमने कहा मेरा हो जाए ना हो जाए ये 5 वाले में हम नहीं अप्लाई होने देंगे ना प्रोसेस करने देंगे, और हमने कैंसिल कराया था, इन्हीं ने बोला था हमका हमारा और राधे श्याम का। हाँ बताइए, तो मतलब ये है ये सब संगठन आपका है, थोड़ा बहुत समय साल में आपके पास नहीं, गजब बात है यार है? तो इसलिए पूरे लिस्ट कर लिया उनका, कर लिया भरत जी का। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है ये नाम जो है हम लोगों ने बड़ी मेहनत से लेते हैं, इसमें मैंने एक बहुत लिखा पढ़ी किया है, लेकिन इसके बाद भी पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं आती है, इसीलिए आप लोगों को पता होगा, किसी को कल शाम को पता लगा, किसी को आज सवेरे पता लगा, क्योंकि लिस्ट नहीं आती है, तो हमारा जो स्टाफ है उन्हीं के सोर्स से, कहीं किसी सेक्शन से, कहीं किसी सेक्शन से पता करके नोट करता हूँ। मैंने कहा कि जब रिटायर होते हैं तो उसका एक कॉपी मुझे दीजिए, तो वो अभी नहीं मिल रही मुझे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे ये जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों नॉमिनेटेड हों, ऊपर आ जाएं, और सबसे पहले रिटायरीज को वेलकम करने के लिए 1 by 1 जो भी ठीक समझें, एक लोग अपना करते जाइए, आ जाइए ऊपर, और अगर किसी और सीनियर्स भी हैं अवेलेबल उनसे भी करवा सकते हैं, हम सारे लोग बराबर हैं, यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं होता है, हमारे लिए हम राम राम भी है, किसे बोलो हम राम राम तो मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, कोई बात नहीं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये मत सोचिए। तो उसके लिए सीनियर भी आ सकते हैं और उनका स्वागत करिए, मैं नाम बताता हूँ अभी जो उपस्थित हैं, और इन केस कोई नाम अगर छूट गया हो मैं बोल रहा हूँ तो पहले बता दीजिएगा, इसके बाद मैं फिर बुलाना शुरू करूँगा, क्योंकि हो सकता है छूट गया हो कोई, यहाँ बैठा हो और नाम रह गया हो। तो हमारे पास जो लिस्ट आई है वो श्री राम खिलावन जी, अजय गिरी जी, कुलदीप विश्वकर्मा जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री राम पूजन जी, श्री चुन्नीलाल जी और अनिल कुमार दुबे जी, रामलाल राम जी, और जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है भरत लाल जी, जो हमारे स्टोर में थे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी फैमिली यहाँ पर उपस्थित है, और इसके बाद सुधीर श्रीवास्तव जी जो लास्ट ईयर सुपरिटेंडेंट हुए थे इनसे पहले, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, किसी कारण से वो पिछली बार नहीं आ पाए थे। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है वो 10 लोगों की लिस्ट अभी है जो अवेलेबल, अगर यहाँ पे कोई उनके अलावा और उपस्थित हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नाम मेट कर दूँगा, अदरवाइज़ हम इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय की लिमिटेशंस है कि समय हम, बाकी जो लोग बैठे हैं कुछ होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन में GBM है, कम से कम कुछ आपसे भी मुझे मिलेगा, बताएंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हम भी कुछ सीखेंगे, ज़िंदगी भर आदमी सीखता है, ऐसा नहीं होता कि जो छोटा है वो नहीं जानता, जो बड़ा है वही जानता है, बहुत सारी गलतियाँ ज़िंदगी भर आदमी करता है। तो ये बहुत थोड़े समय का काम है, जितने लोग उपस्थित हैं पहले इनका स्वागत करेंगे, तो सबसे पहले रेडी है यहाँ पे, सबसे पहले श्री राम खिलावन जी को हम बुलाएंगे, ये हमारे, ये बताइए वीडियोग्राफर, एक रिक्वेस्ट करेंगे मनमोहन तुम भी तो आ जाओ ऊपर, ये कोई और एक्टिव पर्सन तुम CP फ़ोटो ले लो, उसको कहीं जाना था वो अभी आएगा, तो कम से कम ये 10-12 फ़ोटो रिटायरीज वालों के है ना। तो हालांकि उसमें मैं बता रहा हूँ, एक मैंने और एक प्रपोजल बनाया है वो अप्रूव करूँगा मैं, बता दूँ आप लोग, हो सकता है सहमत होना हो, जो रिटायरीज हैं या जो हमारे मेंबर हैं, जैसे एलुमनाई एसोसिएशन हमारा इनका होता है, तो उसमें हमको थोड़ा सहयोग करिएगा, हमें सभी का डिटेल विद मोबाइल नंबर चाहिए, जो कि मेंशन रहेगा, उनके तो उनके मौसिया भी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें मेल आता है कि उनके चाचा थे, उनके पिताजी वहाँ थे, वो ऐसे करके कैजुअलिटी हो गई और वो 1987 में रिटायर हुए थे। हमारा जो रिटायरीज बीच का होता है, हमारे बीच का, तो मैं उसका एक बनाना चाहता हूँ वेबसाइट पे, जो कि उसका डिटेल रहना चाहिए, और वो उस पर मुझे पता रहेगा, मुझे मीन संगठन को पता रहेगा कि आज दुनिया में हैं कि नहीं है, नहीं तो ये साल पहनाने के बाद फिर अगला तो कांटेक्ट तो मुश्किल ही होता है, मुझे तो लगता नहीं कुछ होता है, और उनको भी पता रहेगा कि वो इन्फॉर्म कर देंगे कि संबंधित इस कंसर्न को, इस नंबर को इस मेल में डाल दो, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सब हमारे साथ के भाई बहन हैं, अब भी बाद में पता नहीं चलता कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग आप कोई भी कहाँ से शुरू करें, देखिए मैंने बोल दिया है कि सबसे पहले हमारे जो पदाधिकारी उपस्थित हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वो अपनी सीट पे तो आ जाएं,
जब बैठेंगे नहीं, टहलते फिरते रहेंगे तो सारे लोग वॉलंटियर होते हैं, ज़्यादा बाबा मठी उजार, ज़्यादा व्यवस्थापक नहीं चाहिए ना, व्यवस्थापक का यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, काम करने वालों का काम है, जिसको बुलाया जाए वो काम करें। 5-6 लोग जितने लोग हैं यहाँ पे वो बैठ जाइए, बैठने के बाद फिर आगे रामानुज जी, मिश्रा जी, कोई भी आ जाओ यार, बैठो, जो सीटें फुल कर लो, और तो और एक आदमी मंगा लो, बैठो। अभी क्या है कि हम जब शुरुआत करेंगे तो 1 by 1, हाँ एक दो लोग रहिए बस यहाँ पे, ठीक है। हम चलिए उनको खड़ा कर दिया है जिनका जरूरत है बैठाने की, चलिए आप स्टार्ट करिए, उनको राम खिलावन जी को माल्यार्पण करके और साल उड़ा करके उनका स्वागत करेंगे। हाँ नहीं नहीं, अरे उनको बुलाया ही तो है, तभी मैं कर रहा हूँ। कोई भी 1 by 1 कोई भी करते जाइए, कोई भी कर, मिश्रा जी कर दो यार, तुम ही करो ना, सब लोग फोटो तुम्हारी जिम्मेदारी, सी पी शर्मा तुम्हारी बात खींच लेंगे, परेशान हो, लास्ट में इनसे डलवा देना, एक माला दो डलवा देना ज्यादा। नेक्स्ट गिरी जी, अरे कोई बात नहीं, वो तो तैयार तो होंगे, आएंगे तो हो तो गया। इसके बाद रेडी रहेंगे हमारे विश्वकर्मा जी, कुलदीप विश्वकर्मा जी हैं, दिख नहीं रहे मुझे, कुलदीप विश्वकर्मा जी नहीं, नहीं। गिरी जी बोल दिया, ये गिरी जी हमारे बहुत क्लोज रहे हैं, क्लोज तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन ये हमारे लैब के सामने रहते थे तो खूब मजाक उड़ाते थे। अभी इनके स्वास्थ्य और इनके परिवार के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, हाँ हाँ ऑन कर दो, वो फोटो खींच रहे, उन्होंने मना किया था, स्क्रीन ऑन कर दो, वो ऑटो, नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे फेस की ज़रूरत नहीं, ऐसे कर लेना। तो ये कौन हो गए, अच्छा गिरी जी हो गए, ओम प्रकाश जी। नेक्स्ट इनके बाद राम पूजन जी रहेंगे, नहीं सब लोग माला डाल रही है, हम बाद में बुला करके सबके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, हमारी फोटो आ जाएगी दर्शकों के। इसके बाद राम पूजन जी और विश्वकर्मा जी, ये अभी भी एक्टिव मुझे आईटी में दिखते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं आपको दिखेगा, क्योंकि ये अब हम लोगों का सौभाग्य है कि कभी कभी नमस्ते हो जाती है जो दूर रहते हैं, जैसे गिरी जी हमारे वहीं का घर के आसपास रहते हैं मुझे कल पता लगा, लेकिन बहुत कम आते हैं। अभी राम पूजन जी, चुन्नीलाल जी, सब लोग डाल दो, श्री रामानु सब तो डाल दिया तुमने, सब लोग डाल दो फोटो, नेक्स्ट दुबे जी रहेंगे, अनिल कुमार दुबे जी, इसके बाद दुबे जी, मनमोहन जी फोटो आई, रामलाल राम जी, अरे इसमें पांडे जी का नाम नहीं लिखा है, एस बी पांडे आए नहीं मैंने देखा, पांडे जी आए हैं क्या, रामलाल जी नहीं आए, अच्छा ठीक है, रामलाल राम जी। इसके बाद आगे जो भरत जी थे उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली मुझे नंबर तो नहीं था लेकिन मैंने मैसेज करके और उनको बुलाया, तो आगे आप आइए, क्योंकि मैं नाम तो नहीं जानता उनका, लेकिन ये भरत जी की वाइफ है, तो प्रगति जी और मीता जी आप दोनों लोग उनका स्वागत करें, दोनों लोग ठीक है। इसके बाद जीबीएम 12 बजे है,
आधा घंटे 45 मिनट में लगभग जीबीएम अगर समाप्त हो जाएगी तो बेटर रहेगा, अगर कोई पॉइंट है तो बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि जीबीएम मस्ट है। कुछ कुछ जब रूबरू होते हैं एक साथ बैठते हैं तो मैं तो ऐसे ही शॉर्ट कट करता हूँ, फिर भी ये हाल है। हाँ तो मीता जी और प्रगति बना, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है आपके, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वो जो भरत जी थे वो बहुत सारे डिस्प्यूट यहाँ पे छोड़ गए थे, जिसके कारण उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ये मेरे ऑफिस में भी एक आध बार आई थी, तो अभी जो भी स्थिति है अपना सफर कर रही है। नेक्स्ट सुधीर श्रीवास्तव जी, आप कौन बता, मनमोहन राजेश हम ही डाल दें, लाओ। तो सुधीर जी चलो ठीक है, अभी पुराने हम भी पुराने, मुझे लगता है सब में पुराने यही है, क्यों कोई, अगर आप लोगों के बीच में कोई हमारा भाई सीनियर कोई रह गया हो तो, या कोई आने वाला हो तो चुन्नियाल जी मुझे कोई भी किसी के साथ का तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट सभी के लिए ही किया है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद अब मैं अनुरोध करूंगा कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो ऊपर आ जाएं और बाकी लोग हमारा सहयोग करें, सहयोग मीन्स जीबीएम में, तो इलेक्टेड पर्सन लोग ऊपर आ जाएं और बाकी लोग सब लोग अब जीबीएम की कार्रवाई हम स्टार्ट करेंगे, तो जिससे कि वो लोग हमारा नीचे रहकर ही मदद करेंगे। तुम्हारी फोटो नहीं आई, एक बार एक काम करते हैं सब लोग एक बार खड़े होके, सारे रिटायरीज अपने माला आला हाथ में रखिए, सालाल एक फोटो खिंचवा लीजिए सबके साथ में, नहीं नहीं यहाँ खड़े होकर करवाइए, इस समय लाइन में यहाँ से फोटो खींचिए सबके साथ में, हम भी नीचे आते हैं, सबकी फोटो आनी चाहिए। तो फोटोग्राफर कैसे करेंगे, ए फोटोग्राफर तुम करना, देखो उसको बुरा मत मानिए, वो हमारा छोटा भाई है, उसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, सब लोग नहीं कहिएगा, नहीं तो कह दो कि ऐसा कहते हैं। सीपी ऊपर आओ तुम, या नीचे खींचो, सब लोग नीचे दो मिनट चल के फोटो खिंचवा लिए, ग्रुप फोटोग्राफ सब लोग माला डाल के कृपया आ जाइए एक मिनट के लिए, हाँ इधर खड़े होंगे, इधर फोटो खींचिए, सबकी आएगी फोटो आ गए, अरे वाह ये तो हमारे पर्सनल फोटोग्राफर ही लखनऊ वाले हैं, हाँ 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 ठीक है गुड, सीपी बैठे आनंद लीजिए, क्योंकि ये अपना लास्ट इवेंट है इसका आज का, और इसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर होगा। तो पहले हम लोकेश त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे कि अपना काव्य पाठ प्रारंभ करेंगे। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि समोसा खाने के बाद भी आप लोग रुके हुए हैं, जो समोसा खा के चले गए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज डायरेक्टर साहब अभी आए थे सुबह, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जानी कि आप लोगों के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और एक खुशखबरी शायद उस समय अगर आप लोग रहे हों तो मैं देना चाहता हूँ। सर बता रहे थे कि इंसेंटिव वगैरह भी मिल रहा है आप लोगों को दीपावली का, तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए कि आप लोग इंसेंटिव मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम आज आईआईटी के इस कार्य इस कॉलेज में हैं कानपुर में। और रजिस्ट्रार साहब कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि हम लोगों के लिए ये गौरव का विषय है कि आप यहाँ के एम्प्लाई हैं। उसी तरीके से हर कवि और कवित्री का भी एक मन होता है कि उसे आईटी जैसे संस्थान में कविता पाठ करने का मौका मिले, तो हम इसके लिए गौरवान्वित हैं। साथ ही साथ संख्या बल की कोई बात नहीं है, इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि जो कविता के मर्म को समझते हैं, जो कविता को समझते हैं, अब सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं, जो भीड़ थी वो जा चुकी है। तो आप लोग हमारे साथ कुछ देर रहिएगा, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 40 मिनट 45 मिनट में हम दोनों लोग अपना काव्य पाठ खत्म कर लेंगे। तो हमारे कवि कुल के कुंवर बैजैन जी ने कहा था कि सारी धरा भी साथ दे
तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये जो लंबी यात्राएं हम लोग करते हैं, ये जो कभी सम्मेलनों में जाते हैं, यहां से वहां तक रात रात भर का सफर करते हैं, हमारा भी कोई उद्देश्य है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। हम उन्हीं जिम्मेदारियों के परिवेश में अपने काव्य यात्रा का आगाज करते हैं। हम समाज में कुछ संदेश भी देते हैं, हम समाज का कुछ मनोरंजन भी करते हैं। हम क्यों ये यात्राएं करते हैं, हम क्यों यहाँ पर हैं आज मौजूद, हमारे कवि कुल के ही अमन अक्षर जी लिखते हैं कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहां तक अचानक नहीं आए हैं, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहां तक अचानक नहीं आए हैं। राकेश सर का ये जो पूरा प्रयास है, ये जो इस वेलफेयर का ये जो आपका एसोसिएशन है, स्टाफ का जो एसोसिएशन है, ये बता रहे थे, भी हम लोगों की बात हो रही थी कि 2016 से या 15 से ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और कोई ना कोई चीज कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन एक सुधार हो रहा है। तो मैं हम लोग चाहेंगे कि ये प्रक्रिया यूं ही जारी रहे, जिस तरीके की मेहनत और परिश्रम आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन की एक रूपरेखा बनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सर। काव्य परंपरा में जब हम इस देश में किसी कवित्रियों की सूची को देखते हैं, तो इस देश में अगर शुरुआती 10 कवित्रियों में किसी का नाम आता है तो ऐसी मेरी एक बहन यहाँ बैठी हुई है, उसका नाम है शशि श्रेया। और इस समय आप बड़ी सहजता से अपने YouTube पर, अपने सोशल मीडिया की चीज़ों पर इन्हें तलाश सकते हैं और बड़े मंच की यह कवित्री हमारे बीच में है। अमूमन ये हजारों की संख्या के सामने अपना काव्य पाठ करती है और जहाँ भी इसके काव्य पाठ होते हैं वहाँ पर इसको सराहना और समर्थन मिलता है। मुझे मालूम है कि ये संख्या हमारी कम है, लेकिन इस कम संख्या में भी हम ये कहीं भी इस बात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और मैं बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ अपनी बहन शशि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो आए अपना काव्य पाठ करें। संख्या बहुत कम है और हमारी आदत हजारों लोगों में पढ़ने की है, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक व्यक्ति को मैं 100 व्यक्तियों के बराबर मानकर चलती हूँ और आप भी अपने अंदर कई लोगों की ऊर्जा का समावेश कर लीजिएगा। आइए, IIT संस्थान में खड़े हों तो कुछ जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। मूलतः मैं प्रेम पढ़ती हूँ, मनुहार पढ़ती हूँ, किंतु जब ऐसे संस्थानों की बात होती है तो थोड़ा सा कर्तव्य बढ़ जाया करते हैं। मैं बात वहां से शुरू करती हूँ, सुनो। देखिए, प्रेम, छल, ये एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। प्रेम के पर्याय बदले हैं, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि IITian होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेम नहीं जीते होंगे। आप ऐसे हंस रहे हैं, हमें पता है, कैंपस के बाहर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सीधे सीधे बात पहुंचाती हूँ आप तक। नहीं, कैंपस के अंदर भी रात को तेंदुआ निकला था, अभी पकड़ा गया कि नहीं सर? अभी नहीं। प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है।
है। जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है। और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है। तो छुटपुट तालियां आएंगे इसमें, मेरा परिवार पल जाएगा। एक बार सारे लोग तालियां बजाओ, बताओ तो कम से कम क्या हाँ। आप हजारों की संख्या के बराबर हो, बस ऊर्जावान बने रहिए। सुनना, हम ये गीत यहाँ पर खड़े होकर प्रेम ही क्यों पढ़ते हैं? कारण मात्र इतना है कि हर तरफ नफरतें फैली हुई हैं, तब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रेम बांटते चले। और प्रेम शाश्वत है, मात्र प्रेम ही ऐसी कड़ी है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ कर रखती है। सुनना कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राह को भी शब नमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। अब आपको तालियां के लिए कहने जरूरत नहीं है, ये सब संस्थान ही समझदार लोगों का है। अगर समझदार लोगों का नहीं होता तो हम भी यहाँ के एम्प्लॉय होते। सही बात है। सही बात है। क्योंकि साहित्यकार तो उसका जीवन शुरू ही वहां से होता है जहां से समझदारी खत्म हो जाया करती है। हम तो बंजारे हो जाया करते हैं, उसी बंजारेपन की चार पंक्तियां और पढ़ते हैं। स्वागत है। कामनाओं की कली तोड़ के जाने वाला। प्रेम में कोई व्यक्ति जब छल जाया करता है तो ऐसे ऐसे काम किया करता है कि शायद जो छोड़ कर गया है वो वापस लौट कर आ जाएगा। ब्लॉक होने के बावजूद भी नए नए नंबर से डीपी देखना हमारी आदत होती है। कामनाओं की कली तोड़ के जाने वाला होगा भटकाओं में मुंह मोड़ के जाने वाला। भले उसने ढूंढ ली हो पर हम तो इस आश्वासन में रह सकते हैं कि होगा भटकाऊ में मुंह मोड़ के जाने वाला। बस इसी आस में मैं गीत गुनगुनाती हूँ, बस इसी आस में मैं गीत गुनगुनाती हूँ, लौट आएगा मुझे छोड़ के जाने वाला। भाई साहब अगर आप इन्हें बनाओगे तो मुझे दो तालियां और मिल जाएंगी। हाँ, ये भी बात सही है। एक तो ऐसे कम हो, ऊपर से वीडियो बनाओगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आइए और चार चार पंक्तियों से जोड़ती हूँ, आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए हाँ। पढ़ते सुना। स्वागत। अश्रुआने न दोगे ये वादा करो। एक निवेदन होता है, मात्र एक बहन बैठी हुई है। हमारा निवेदन प्रेम में मात्र इतना होता है। लोग कहते हैं धन दौलत चाहिए होती है, क्रेडिट कार्ड चाहिए होते हैं, हम खुद सक्षम होते हैं तो उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहती हैं, हमें एक वचन चाहिए होता है। और वो वचन क्या है कि गम उठाने न दोगे ये वादा करो, रूठ जाने न दोगे ये वादा करो, रूठ जाने न दोगे ये वादा करो। मैंने काजल लगा तो लिया है सजन, मैंने काजल लगा तो लिया है सजन, अश्रु आने न दोगे ये वादा करो, अश्रु आने न दोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम होता ही ऐसा है
प्रेम के देवता के रूप में हम श्री कृष्ण को पूछते हैं, जिन्होंने प्रेम के सारे उपमान दिए हैं, सारे व्याख्यान उनसे निकल कर आते हैं। तब चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनना। स्वागत है। कि नेह के दीप से रोशनी जोड़ दी, आस छोड़ी नहीं जिंदगी छोड़ दी, उस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, उस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, इस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, इस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी। और भारतवर्ष में जहाँ पर प्रेम इतनी पावनता से निभाया जाता है, आज का प्रेम कैसा हो गया, मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ कि सोमवार को प्रेम शुरू हो जाता है और सैटरडे को ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसा प्रेम होने लगा है। काफी आपका रिसर्च है इस पे, ठीक ठाक है। रिसर्च एक्चुअली, प्रेम ऐसी चीज ही है कि जब व्यक्ति होता है प्रेम में तो उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसका भाव, उसकी आभा सब ये व्यक्त करता है कि वो व्यक्ति प्रेम में है। बहुत। और ब्लॉक होने के बाद कैसा होता है वो आप इनको देख लीजिए। ये बढ़िया है। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचा दूंगी, उन लोगों के लिए जो छोड़ कर चले जाते हैं, अनायास चले जाते हैं। तब सुनना, स्वाभिमान की पंक्तियां हैं। कि हो जरूरी नहीं सपन साकार सब, हो जरूरी नहीं सपन साकार सब, इसलिए कर लिया हंस के स्वीकार सब, इसलिए कर लिया हंस के स्वीकार सब, वो किसी और के है यही सोच कर, वो किसी और के है यही सोच कर, मैंने लौटा दिए उनके उपहार सब, मैंने लौटा दिए उनके उपहार सब, उनके उपहार सब। किंतु एक ऐसा उपहार कोई नहीं लौटा पाता है, वो होती है बेचैनी, वो होता है छल। तब चार पंक्तियां और पढ़ते हैं, सुनना। कि चूड़ियां गीत मधुरी सुनाती नहीं, चूड़ियां गीत मधुरी सुनाती नहीं, मेरी पाजेब भी छन छनाती नहीं, वो किसी और के है यही सोच कर ये, वो किसी और के है यही सोच कर, सच कहूँ रात भर नींद आती, वाह 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 वाह, नींद आती नहीं, सच कहूँ रात भर नींद आती नहीं। प्रेम में भी वासनाएं ढूंढने वाले लोगों के लिए चार पंक्तियां यहाँ से सौंपती हूँ। यदि आपको किसी राह में ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मेरी पंक्तियां याद करके उसको सुना दीजिएगा, शायद वो प्रेम समझ जाए। और जो व्यक्ति प्रेम समझ जाता है वो कृष्ण को समझ जाता है, जो कृष्ण को समझ जाता है उसको उसकी पराजय संभव ही नहीं है। चार पंक्तियां देती हूँ, सुनना। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, आपको तो डूब मरना चाहिए था। लोग चले जाते हैं, लोगों को लगता है कि मैं अमुक व्यक्ति की जिंदगी से चला गया हूँ तो व्यक्ति शिला हो जाएगा। चार पंक्तियां तब भी सौंपती हूँ कि अनगिनत सिलसिले मुबारक हो। यदि आपके इर्द गिर्द ऐसा, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उसको लगता हो कि वो आपके जीवन से चला गया, और रिश्ते नाते भी होते हैं, और
उसे लगता है कि अब तो आप एकांत में रहने लग गए, अब तो वो जीत गया, आपकी पराजय हो गई। तो चार पंक्तियां मेरी तरफ से सुनाइएगा। स्वाभिमान की पंक्तियां हैं, जिसका ईश्वर है वो एकांत में रह ही नहीं सकता। प्रेम तो यहां से जिया जाता है। कि अनगिनत सिलसिले मुबारक हों, जो भी सहचर मिले मुबारक हों। अनगिनत सिलसिले मुबारक हों, जो भी सहचर मिले मुबारक हो। हम तो एकांत के पुजारी हैं, आपको काफिले मुबारक हो। क्या बात है, आपको काफिले मुबारक हो। और पढ़ू या सीधे सीधे गीत से जोड़ू, आप बताइए। जो आपकी मर्जी है, सब सब सुनने के लिए बैठे हैं। आइए एक गीत पढ़ते हो। वैसे भी महिलाएं सुनाने के लिए भी जानी जाती हैं। अब एक यहाँ पर सुना ही रही है, अब आप कुछ कह भी नहीं सकते और मैं इसका खंडन भी नहीं कर सकती। आइए एक गीत आप सभी पुरुषों को समर्पित करते हैं। जितना मैंने जाना है, स्त्रियों पर बहुत कुछ लिखा गया है, चाहे हम किताबें उठाकर देख लें, शास्त्र उठाकर देख लें, बहुत कुछ लिखा गया, हमारी महिमा मंडन में बहुत कुछ लिखा गया है, और आपने ही लिखा है। बड़ी बात यह है, जितने चुटकुले स्त्रियों पर होते हैं उससे ज्यादा महिमा मंडन होता है, और क्यों होता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। किंतु एक गीत आपकी जिम्मेदारियों के लिए मैंने लिखा है, स्त्रियों की तरफ से एक जिम्मेदारी मैंने निभाई है। आप समाज का आईना है, आप समाज का स्तंभ है। जब देखिए आनंद वर्षा के लिए मैं यहाँ घंटों पर ऐसे ही काव्य पाठ कर सकती हूँ, प्रेम सुना सकती हूँ, मनोहार सुना सकती हूँ। समय की भी सीमा है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। सीमा सचिन की है, सीमा सचिन की है। आइए मैं जोड़ती हूँ। स्वागत। ये पुरुष ये लड़के जब जिम्मेदारियों को निभाने की बात आती है तो हिमालय बन जाया करते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा आपके पिता को अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी पैर की चप्पल शायद भले टूटी पहनी रहे पर आपकी जरूरतों का ध्यान उन्हें हमेशा रहता है। अपने बड़े भाई को देखा होगा किस तरह वो आपकी ढाल बनकर चलते हैं। तब एक गीत सौंपती हूँ। स्वागत है। आपकी युवावस्था से उठाती हूँ और आपके अनुभवों तक लेकर चलती हूँ। यदि यात्रा सफल हो जाए तो वहां से आशीर्वाद यहाँ तक पहुंचाइएगा। सुना स्वागत। उलझे घुंघराले बालों में सुलझे सुलझे लड़के, उलझे घुंघराले बालों में सुलझे सुलझे लड़के, कॉलेज के हीरो पर घर में सहमे सहमे लड़के, माँ की नजर बचाकर छत पर जाने वाले लड़के, और गली की बबली से बतियाने वाले लड़के, और गली की बबली से बतियाने वाले लड़के, प्रीत की बारिश से अंतस की धरा भिगोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। हाँ बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं, किसी के गालों के डिंपल पर जान लुटाने वाले, किसी के गालों के डिंपल पर जान लुटाने वाले, पॉकेट मनी से झुमके पायल बिंदिया लाने वाले, क्या बात है, चश्मा घड़ी शर्ट की कॉलर इत्र हेयर स्टाइल, उनकी गली में सल्लू शाहरुख बनकर जाने वाले, नाम किसी का पलकों पर लिख लिख कर सोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं, प्यार में होते हैं। और विभिन्न नामों से पुकारे भी जाते हैं अपने घर में। आप इन्हें सर कहते हैं, बॉस कहते हैं, घर जाइए माँ कहती है कहाँ गया बावला, और ये मुस्कुराकर जवाब देते हैं। सुनिएगा, बंद सुनिएगा, कि झल्ला नल्ला और निठल्ला सुनकर इसी 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 रुके के ससी, इसी बहाने तुम सारा भड़ास निकाल ले रही हो, झल्ला बल्ला निठल्ला। हाँ झल्ला नल्ला और निठल्ला सुनकर मुस्काते हैं,
किंतु एक सत्य भी बताती हूँ, बहनों की पहरेदारी में दादा बन जाते हैं, बहनों की पहरेदारी में दादा बन जाते हैं, बहनों की पहरेदारी में दादा बन जाते हैं, मन के कोने में सागर जैसी गहराई में कर रिश्तेदारों के ताने चुप रह कर सह जाते हैं, बोझ सिलेंडर का कांधे पर हंस कर ढोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार होते हैं। बहुत आभार, मुझे भरोसा था कि आईआईटी जैसे संस्थान में कविता ऐसे मन से ही सुनी जाती होगी, और आपने उस भरोसे को जीत लिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्या बात है, बंद से जोड़ती हूँ। स्वागत है आपके यहाँ। रोज आप देखते होंगे इतने युवाओं को आप यहाँ से भविष्य दे रहे हैं, किंतु यहाँ से निकलने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं फेल्योर समझते होंगे। चार पंक्तियां आपकी जिम्मेदारियों के नाम तब देती हूँ, एक कड़वा सच बताते हुए देती हूँ, आज का युवा कितना परेशान है, कितनी जिम्मेदारियों को लपेटे हुए चल रहा है, कि हाथों में डिग्री कांधे पर जिम्मेदारी लेकर, हाथों में डिग्री कांधे पर जिम्मेदारी लेकर, सूनी सड़कों पर फिरते हैं पलके खारी लेकर, टेंशन बाइक की चाबी सी नाच रही उंगली में, खाली जेब निकल पड़े हैं सपने भारी लेकर, खाली जेब निकल पड़े हैं सपने भारी लेकर, भीड़ में हंसने वाले तन्हा छिप कर रोते हैं, बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं, हाँ प्यार में होते हैं। और अंतिम बंद सौंपती हूँ, अब अपने साथ हिमालय की तरह खड़ी हुई हर शख्सियत को याद कर लेना जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में अपना खून पसीना लगा दिया है। क्या बात, कि कभी दवाई कभी विदाई में बिक जाने वाले, कभी दवाई कभी विदाई में बिक जाने वाले, सपनों से कर्जा लेकर परिवार चलाने वाले। क्या बात है, माँ पापा भाई बहनों पत्नी बच्चों की खातिर उम्र बेच देते हैं सारे उम्र कमाने वाले, उम्र बेच देते हैं सारी उम्र कमाने वाले, खुद को पाने की खातिर खुद को ही खोते हैं, बड़े बावले होते हैं जब प्यार में होते हैं, हाँ प्यार में होते हैं। बहुत आभार, और सुनाऊं या मैं अपना स्थान लूं? सचिन बिल्कुल सचिन, एक बार तालियों से आदेशित करें। दो मुक्तक सुनिएगा, उसके बाद एक गीत और पढ़ूंगी, उसके बाद स्थान लूंगी, सुनना। जान कर जान छीन ली उसने, जान कर जान छीन ली उसने, हाय मुस्कान छीन ली उसने, आप कहते हो मैंने क्या खोया, मेरी पहचान छीन ली उसने, मेरी पहचान छीन ली उसने, वक्त रहते संभल नहीं पाए, छल गए किंतु छल नहीं पाए, मंत्र मंदिर वायुष सब बदले, अपने किस्मत बदल नहीं पाए, अपनी किस्मत
बदल नहीं पाए। अब एक गीत पढ़ूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब मैं वहां बैठूं तो आप सब में इतना आनंद भरकर बैठूं कि थोड़ी देर तक आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। कम है किंतु बड़ी ऊर्जा से सुन रहे हैं। तो बस एक निवेदन करूंगी, बीच में तालियां मैं मांगती भी नहीं हूँ, ये मेरी आदत भी नहीं है, और जब आप जैसे श्रोता मिल जाए तब तो मांगने की जरूरत भी नहीं है। ये भी ताली मांगने का एक तरीका है, बजा दीजिए। इन्हें मैं कुछ नहीं कह सकती, संचालक की भूमिका में जब सर थे तब ये नहीं चुप हुए तो ये कहां से चुप हो जाएंगे। आइए मैं गीत पढ़ती हूँ, आनंद आए तो साथ में ताल दीजिएगा। जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो। मैं जिसमें बहती ही जाऊं, नदिया की वो धार तुम ही हो, प्रेम नगर के तुम राजा और मैं रानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और बंद से जोड़ती हूँ, स्वागत है कि तुम आओ तो नयनों के दीपक देहरी पर बारू, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं, सांसों की एक थाल सजाऊं, पुष्प प्रीत की रखूं, नेत्र नीर से पग धो, अधरों से नजर उतारूं, सपनों का संसार तुम ही हो, खुशियों का अंबार तुम ही हो, जिसको पाकर मैं जीती हूँ, अंतर मन का सार तुम ही हो, जब से तुमको जाना खुद से अनजानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और बंद सौंपती हूँ, अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, नैनों से छू लो मुझको तो ताज महल हो जाऊं, हर शाम इतराऊं महुआ सियांगन में महकूं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, पायल की झनकार तुम ही हो, अरमानों के शीश महल में झंकृत मन के तार तुम ही हो, देख शरारत आंखों की है मैं पानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, स्वागत है तुझे, मन भर तालियां देकर मुझे विदा करना। क्या बात है, आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना, मेरा धासी प्रेम की पावन ताउर में धर लूंगी, तुम अपना सर्वस्व सौंप कर कृष्ण मेरे बन जाना, रूप तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, रूप तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, प्रीत तुम्ही आभार तुम्ही हो, जो ईश्वर से मुझे मिला है वो अनुपम उपहार तुम्ही हो, जब से तुमको पाया श्रेया अभिमानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। क्या जिंदाबाद, अद्भुत कविता। बहुत देर में आए, देखो सती तुमको सुनने के लिए कुछ लोग रुके थे, वो जा रहे हैं। अच्छा, भाई साहब देख लीजिए, एक आध कुर्सी खाली हो तो बैठ लीजिए।
तो खड़े हैं। हाँ ठीक है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। अभी सती ने तमाम तरीकों से तालियां मांगी कि तालियां नहीं बजानी है तो ये है वो है। एक तरीका और होता है ताली बजवाने का, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तब लोग कहते हैं कि एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। और हमारे यहाँ एक परंपरा है, चूँकि हम दो ही कवि हैं तो एक संचालन की परंपरा होती है, एक बुलाया जाता है, एक तरीका होता है कि भाई अब आप मंच पर आएँ। तो आज मैं ही जो है संचालन कर रहा हूँ और मुझे इस क्रम के बाद पढ़ना था, शशि को थोड़ा रुक करके मुझे बुला लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्वयं आ गया हूँ तो मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। परेशानियों की बात हो रही थी, डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, शशि ने भी तमाम चीज़ों को उठाया। वहीं से बात शुरू करूँगा कि एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम कुछ मुद्दों को लेकर के आगे चलते हैं और क्या हमेशा जीतना ही जरूरी है, तो वहां से मैं बात रखता हूँ। एक रोज सारी मुश्किलों के पार जाएंगे, एक रोज सारी मुश्किलों के पार जाएंगे, जाएंगे चाहे जैसे मगर यार जाएंगे। एक रोज सारी देखिए मुझे मालूम है कि उतना मन तो आप नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा। एक रोज सारी मुश्किलों के पार जाएंगे, जाएंगे चाहे जैसे मगर यार जाएंगे। मुमकिन नहीं है जिंदगी में रोज जीतना, मुमकिन नहीं है जिंदगी में रोज जीतना, तो क्या हुआ कभी जो अगर हार जाए। क्या बात है, तो क्या हुआ कभी जो अगर हार जाएंगे। ऐसे ही उत्साह वर्धन करते रहे। तमाम चुनौतियों के बीच हम लोग कविताएं करते हैं, तमाम संदेश, तमाम हम खुद मोटिवेट होते हैं, हम प्रयास भी करते हैं कि हम सोसाइटी को, समाज को भी कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करें। इतना मोटिवेट हो गए कि मोटे भी हो गए, वेट भी बढ़ गया। नहीं ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा पेट वेट कम निकला है। नजरों में देर तक कोई मंजर नहीं रहा, नजरों में देर तक कोई, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे यहाँ से हमारी बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे। नजरों में देर तक कोई मंजर नहीं रहा, जो लौटने लगा वो सिकंदर नहीं रहा। नजरों में देर तक कोई मंजर नहीं रहा, जो लौटने लगा वो सिकंदर नहीं रहा। कतरा हर एक जिस्म का रेतों ने पी लिया, कतरा हर एक जिस्म का रेतों ने पी लिया। सहरा में इसलिए भी समुंदर नहीं रहा, सहरा में इसलिए भी समुंदर नहीं रहा। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर और जो आगे बढ़ा वही सिकंदर। हमारे समाज में भी एक संगति है, जो सफल होते हैं, अभी असफलता की बात मेरी बहन ने की कि जो असफल होते हैं उनकी चर्चा कोई नहीं करता है, जो सफल होते हैं उनके तमाम ऐसे भी किस्से हम सुनाते। अच्छा आप चोरी करते थे जी, मैं बचपन में चोरी किया करता था, मैं छिप जाता था अभी। और जो सफल हो जाते हैं, जो असफल होते हैं उनका, उनकी कामयाबियाँ, उनकी असफलताओं की चर्चा हम नहीं करते। जिंदगी में ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो पूरा एक कसमकस पैदा करती हैं। कभी कभी क्या लगता है कि धोखा कपट फरेब है झांसा है जिंदगी, क्या बात, धोखा कपट फरेब है झांसा है जिंदगी, झूठा सा एक ख्वाब दिलासा है जिंदगी, झूठा सा एक ख्वाब दिलासा है जिंदगी। भ्रम में न रहो तुम ये चकाचौंध देख कर, भ्रम में न रहो तुम ये चकाचौंध देख कर, मरने से पहले तक का तमाशा, क्या बात है, वाह वाह, मरने से पहले तक का तमाशा है जिंदगी, मरने से पहले तक का तमाशा है जिंदगी। हम लोग मध्यम क्लास के लोग हैं और गांव-गांव से आए हैं,
यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर के पद से भी सेवा दे रहा हूँ, और कैसे कैसे एक इलाहाबाद से निकल करके इलाहाबाद में तैयारी करके पढ़ाई करके आप सभी लोग इन्हीं चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। उन संघर्षों में चार पंक्तियाँ निकलती हैं कि क्या संघर्ष क्या रहे हैं। स्वागत स्वागत। साधन नहीं है कोई, समाधान भी नहीं। साधन नहीं है कोई, समाधान भी नहीं। स्थापित रहे हैं हम कोई, वरदान भी नहीं। स्थापित रहे हैं हम कोई, वरदान भी नहीं। सहमे हुए से बढ़ रहे मंजिल की ओर हम। सहमे हुए से बढ़ रहे मंजिल की ओर हम। हमको मिला है कोई अभयदान। वाह 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 वाह। हमको मिला है कोई अभयदान। हमें कभी दूसरा मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल। हम अगर एक बार फेल हुए तो फिर फेल हुए। हम वो नहीं है कि जो सोने और चांदी के चम्मचों में यहाँ आए हैं और हमें बार बार प्रयोग करने का अवसर मिलता हो। हमने अपनी जिंदगी एक बार खाली दांव पर लगाई है। फिर पढ़ता हूँ कि इसको कि दोस्ती के ऊपर चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ। स्वागतम। कि कोई भी चीज दोस्ती से है बड़ी नहीं। कोई भी चीज दोस्ती से है बड़ी नहीं। है दोस्तों ये दोस्ती बस दोस्ती नहीं। दुनिया कमी निकाले ये बस उसका काम है। दुनिया कमी निकाले ये बस उसका काम है। हम दोस्तों में ढूंढते कोई कमी नहीं। वा, वा, वा। हम दोस्तों में ढूंढते कोई कमी नहीं। ये तो मोटिवेशन वगैरह की बातें हो गई। अब मैं उस विधा पर आता हूँ जिसके मैं ज़्यादा नज़दीक हूँ। ये सब थोड़ा सा माहौल और बनाने के लिए कर लिया जाता है, जिससे आप सोचते हैं बड़ा बड़ा सीजियर टाइप का जो है कुछ कविताएँ पढ़ रहा है। तो मैं उस विधा पर आता हूँ कि जहाँ से मैं श्रृंगार से आप लोगों को जोड़ता हूँ। इस उम्र में किस विधा के नज़दीक है देख लीजिए आप लोग। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगती ज़्यादा है। तो चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, इसके बाद कुछ श्रृंगार की पंक्तियाँ पढ़ाऊँगा। स्वागत स्वागत। चीज कोई नहीं दूसरी चाहे। वाह वाह वाह। चीज कोई नहीं दूसरी चाहे। बात जिसकी हुई थी वही चाहे। बच बचा कर के निकला हूं मैं भीड़ से। वाह। बच बचा कर के निकला हूं। कुछ गंभीर मामला होगा तभी तुम यहां तक आए। बच बचा कर के निकला हूं मैं भीड़ से। एक पहचान मुझको नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। एक पहचान मुझको नहीं चाहिए। क्या बात। तो जो भाई साहब आपको देख करके मोबाइल नहीं रख पा रहे थे, लगातार वीडियो बना रहे थे, जिनके आपने आग्रह किया फिर उन्होंने मोबाइल रखा, उनके लिए चार पंक्तियां हैं। स्वागत है। एक मिसरी की मीठी डली याद है। वाह। अच्छा मुझे लगा कि मेरे कह रहे क्या बात है। एक मिसरी की मीठी डली याद है। वाह। उस कली के ही जैसी कली याद है। एक मिसरी की मीठी डली याद है। उस कली के ही जैसी कली याद है। जब किसी ने कहा ध्यान अपना रखो। जब किसी ने कहा ध्यान अपना रखो। तब कमी तेरी कितनी खली याद है। तब कमी तेरी कितनी खली याद है। तुम जरा खिल खिला दो तो खिल जाऊंगा। वाह। तुम जरा खिल खिला दो तो खिल जाऊंगा। बन के मुस्कान होठों पे मिल जाऊंगा। हाथ थामो मेरा, हाथ थामे मेरा बस घड़ी दो घड़ी। हाथ थामे मेरा
बस घड़ी दो घड़ी मैं बनाकर हथेली पे दिल जाऊंगा, मैं बनाकर हथेली पे दिल जाऊंगा। देखिए, आपने श्रृंगार पर बहुत से मुक्तक सुने होंगे, बहुत सी रचनाएं सुनी होंगी। एक कल्पना मेरी भी है। स्वागत है। और ये स्वागत नहीं करोगी, ये लगेगा कि मतलब क्या है, ये आती है एकदम से। तो मैं सोच रही हूँ हथेली पर दिल बनाने वाले जो दीवारों पे बने होते हैं सब कारस्तानी आप ही की। हाँ, तो चार पंक्तियां वहां से देता हूँ। देखिएगा एक रूप। जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, तेरे दिल में ही मेरा ठिकाना बने। जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, तेरे दिल में ही मेरा ठिकाना बने। जुल्फ की छाव में मेरा बिस्तर लगे। जुल्फ, हाँ ये ठीक था। जुल्फ की छाव में, क्या इशारा कर रहे हो भैया? बाद में लगेगा कि वीडियो ठीक नहीं आया सर, आप बहुत हिलू नहीं। वो सामने वाले से कह रहे हैं, अच्छा? जिसकी जुल्फ में बिस्तर लगाना चाहते हो, यदि उनकी जुल्फों में जुए निकले तो क्या करोगे? पहले बताया जाता था, पर स्वागत पहले, पहले ये कहा जाता था कि आदमी पहले बंदर हुआ करते थे, तो फिर वही जब जुए निकलेंगे तो वही किया जाएगा। जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, तेरे दिल में ही मेरा ठिकाना बने। जुल्फ की छाव में मेरा बिस्तर लगे, जुल्फ की छाव में मेरा बिस्तर लगे। एक बर्तन में दोनों का खाना बने, एक बर्तन में दोनों का खाना बने। कुछ गंभीर बातें भी करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जो है सिर्फ यही हो रहा है। जब एक बर्तन में खाना बनने की नौबत आ जाती है तो पति पत्नी गंभीर ही हो जाया करते हैं। अच्छा, मुझे मेरा व्यक्तिगत सर एक अपना रिसर्च रहा है, पता नहीं क्यों मुझको लगता है जब 10-15-20 साल शादी के हो जाते हैं तो साथ में रहते रहते पति पत्नी के चेहरे भी मिलने लगते हैं। तो वो देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये इनकी पत्नी है, ये इनके पति हैं, कुछ है ऐसा। वहां से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। सात वचनों के संग सात फेरे लिए, सात वचनों के संग सात फेरे लिए, सारी दुनिया से लड़ जाऊं तेरे लिए। सात जन्मों तलक साथ यूं ही रहे, सात जन्मों तलक साथ यूं ही रहे, और सजती रहे बस तू मेरे लिए। वाह वाह। और सजती रहे बस तू मेरे लिए। आप तालियां बजाते रहें तब तक मैं गीत ढूंढ लेता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ और इस गीत के बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। और इस बढ़िया से सुंदर से कार्यक्रम आयोजन के लिए मैं सर को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। कविता क्या है और कविता क्यों पढ़ी जाती है, हमारी यात्राएं क्यों है, मैंने चर्चा की। स्वागत। अब मैं वहां आना चाहता हूँ जहाँ जो गीत मेरे मन के करीब है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। स्वागत भी, स्वागत। मैंने प्यार किया है तुमसे। वाह, बहुत बढ़िया गीत है ये। मैंने प्यार किया है तुमसे, छूटेगा ये साथ नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे, छूटेगा ये साथ नहीं। मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे, चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, चूड़ी झुमका बिंदिया काजल, कांधे पर रखना तुम आंचल। चूड़ी झुमका बिंदिया काजल,
कांधे पर रखना तुम आंचल, चलना ऐसे बिजली जैसे मडराऊं मैं बनकर बादल, चलना ऐसे बिजली जैसे मडराऊं मैं बनकर बादल, सोच नहीं सकता कोई पल, सोच नहीं सकता कोई पल, हूँ जब तेरे साथ नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। एक बार और देखिएगा, स्वागत है। कमरे को घर कर देना तुम, कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में, कमरे को घर कर देना तुम, घर कर जाना सबके दिल में, बनना दुख में संबल मेरी, बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में, बनना दुख में संबल मेरी, शामिल रहना हर मुश्किल में, खुशियों के आंगन में अपने, खुशियों के आंगन में अपने, दिन ही दिन हो रात नहीं, खुशियों के आंगन में अपने, दिन ही दिन हो रात नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। एक राहत की खबर ये है कि इस गीत का अंतिम बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, स्वागत, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। स्वागत है। रिश्तों पर कभी धूल जमेना, रिश्तों पर कभी धूल जमेना, नजर प्यार की ना हो धूमिल, रिश्तों पर कभी धूल जमेना, नजर प्यार की ना हो धूमिल, जो चाहो वो पा जाओ तुम, जो चाहो वो पा जाओ तुम, और बनो खुद मेरा हाकिम, जो चाहो वो पा जाओ तुम, और बनो खुद मेरा हासिल, एक दूजे का दिल जीतेंगे, एक दूजे का दिल जीतेंगे, होगी किसी की मात नहीं, एक दूजे का दिल जीतेंगे, होगी किसी की मात नहीं, मन से बस तुम सुंदर दिखना, मन से बस तुम सुंदर दिखना, तन की कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, बहुत बहुत आभार। मैं इस कार्यक्रम के में जिस तरीके से आप लोग जुड़े रहे और जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत आपको उसका आभार देते हैं। और मैं अब आमंत्रित करूंगा सर को कि वहां यहां आए और कुछ शब्द बोलें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मुझे तो विश्वास नहीं था कि ये राम राम जैसे लोग वापस आएंगे, लेकिन जितने लोग आ गए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो विभूतियां आपके सामने हैं, शायद मैंने जो ये बैनर छपाया था आपने यूट्यूब में सर्च नहीं किया, ऐसे लोग श्रृंगार रस के कभी आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। वीर रस तो के कभी तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, श्रृंगार रस की कविता पढ़ने वाले जो आपके सामने बैठे हैं इनको मिस करना तो ये अपने लाइफ में कुछ न कुछ छोड़ देना है कि हमने आपको मिस कर दिया। ये रोज़ नहीं आएंगे, वो किसी के बताए हुए रास्ते पर मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया था, अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम भी बहुत हुआ क्योंकि पहले कोई टाइम दिया, फिर कोई टाइम दिया, एक अपना डेली का रूटीन होता है, वर्क होता है जिसका टाइमिंग सेट कर लिया जाता है। उसके बाद इनको मैंने सवेरे बुलाया था, एक्चुअली डायरेक्टर साहब का प्रोग्राम अचानक लग गया था, तो उसके लिए अगर कोई एक आध कविता और सुनने के इच्छुक हो, अदरवाइज नहीं तो ओवर करते हैं इसको क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। सॉरी, मैं उसके लिए थोड़ा इन लोगों से, मैं कवियों से, शशि जी से,
और इनसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि हमारे यहाँ लैब भी 2 बजे होती है। सर आप बिल्कुल क्षमा ना मांगे, नहीं 2 बजे का कार्यक्रम हमारे यहाँ क्लासेस का होता है, तो 2 बजे के बाद लोग अपनी ड्यूटी भी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सर जितनी संख्या में यहाँ लोग हैं इतने एंजॉय करके सुन रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इन लोगों का जो विभूतियाँ बैठी हैं आपके सामने, लोकेश जी और शशि श्रेया जी, एक कविता आप हाँ एक कविता सुन के समापन शशि जी करेंगी, तो शायद हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी मिस करते रहेंगे। क्या बात है ये क्योंकि अच्छा, जो आपने अच्छा, कविता सुनाई बहुत आनंद लिया। सर ने ये नहीं कहा कि लोकेश सुना दें। नहीं, देखिए ऐसा है ना, श्रृंगार रस के तो दोनों ही, मैंने श्रृंगार रस सुनाने को बोला ना, मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी दोनों में से कोई भी सुनाएगा, तो हम लोगों का परम सौभाग्य होगा जितने लोग बैठे हैं, और इसके बाद कोई भी अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, एक हमारी अलग से रिक्वेस्ट है। मैं इससे 2 मिनट मिलके और इन लोगों को थोड़ा फ्री करके, हो सकता 2 मिनट मुझे लगे तो, बट एक कविता और सुन लीजिए फिर इसके बाद। चलो सर क्या बात है, हम तो कह रहे हैं भरत जी पहले आ जाएं। आइए सर आइए, स्वागत है। अरे आइए आइए, अरे आइए 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 आइए, आपका सुनो भैया, भैया आपका कार्यक्रम है, आइए। ऐसे हम भी कहते थे, यही कहते कहते कब तक करने लग गए। आइए कोई बात नहीं, यहाँ सब अपने घर के, हम सभी लोग अपने घर के लोग हैं, यहाँ कोई भी आदमी बाहर का नहीं है। चलिए आप आएंगे सर, शशि जी आइए, शशि जी आइए, हो सकता है आपके कहने पर आ जाए। दोबारा बुलाने के लिए बहुत आभार, वरना तो एक ही बार में लोग परेशान हो जाते हैं। आइए, आपका मन था फिर से सुनने का, बात श्रृंगार से मैंने शुरू की थी और मुझे लगता है आप सुन भी वही बहुत बेहतरीन रहे हैं। आइए बात वहीं से शुरू करते हैं। जब युवा वर्ग बैठा होता है तो उनकी भावनाएं शिखर पर होती हैं, वहां हम संयोग की बात करते हैं, किंतु इस उम्र में आते आते हमें पता चल जाता है कि प्रेम मात्र एक सतत प्रतीक्षा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बात। आइए कुछ पंक्तियां फिर एक गीत सुनना। स्वागत है। जिन्हें उनका प्रेम नहीं मिलता है, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप लिखते हैं, आप यहाँ सुनाते तो मुझे और अच्छा लगता। IIT से बाहर निकलकर एक साहित्यकार हम सबके साथ मंच साझा करता है कहीं बाहर भी जाकर, तो ये आनंद की अनुभूति होती है। तुम 2-3 बार ऐसे और कहोगे तो निश्चित तौर पे सुनाएंगे। बिल्कुल, और मैं तो सुनकर ही जाऊंगी। सुनना। स्वागत। जब किसी का प्रेम उससे दूर हो जाता है या उससे छिन जाता है तो भावनाएं क्या होती होंगी, सुनना। स्वागत है। कि है पड़ा धागा गले में जो उसे भी बांट लेंगे, है पड़ा धागा गले में जो उसे भी बांट लेंगे, ये भी हो सकता है हम अपनी कलाई काट लेंगे। वाह वाह। और ये सुना है वो किसी के साथ फेरे ले रहे हैं। ओहो। ये सुना है वो किसी के साथ फेरे ले रहे हैं, ये समय यदि कट गया तो हर मुसीबत काट लेंगे। क्या बात है, वाह वाह ससी, जिंदाबाद। यदि कट गया तो हर मुसीबत काट लेंगे। अब गीत सुनना। स्वागत है। जाने किस हंसिनी का, पहली बार ये गीत पढ़ रही हूँ मैं। स्वागत है। मुझे पता नहीं था कि मुझे IIT में आकर पहली बार ये गीत सुनाना पड़ेगा। दूसरी बार में, पहली बार वाला गीत। मैंने कभी ये पढ़ा भी नहीं, अभी नया नया गीत लिखा, इसलिए मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, वरना मेरी ये आदत नहीं है, मैं देखकर नहीं पढ़ती हूँ, और यहाँ का तो अनुशासन ऐसा होता है, तो ये अनुशासन हम हर जगह फॉलो करते हैं।
क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, यहाँ देखकर पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये याद नहीं है। स्वागत है। ये जाने किस हंसिनी का लगा शाप है, प्रेम करते हैं जो वो बिछड़ जाते क्या बात है। हाथ में हाथ जब भी किसी के धरा, कुंडली के सभी ग्रह बिगड़ जाते हैं, कुंडली के सभी ग्रह बिगड़ जाते हैं। भाग्य की देहरी से उतारे गए उंगलियों में सभी रत्न धारे हुए, तन मिले ना मिले मन के हर छोर से हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, तन मिले ना मिले मन के हर छोर से हम तुम्हारे हुए। प्रेम में हमें इतना आशावादी होना चाहिए और होना पड़ेगा। मीरा भी यही कहकर गई है कि आप प्रेम करते रहिए, पाने की लालसा मत करिए। कृष्ण चाहते तो उन्हें राधिका से कोई अलग नहीं कर सकता था, किंतु उन्हें पता था कि यदि प्रेम अधूरा रह जाएगा तो ये प्रेम आने वाले समय में पूजा जाएगा। हम भी वही किरदार जी रहे हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेम जहां है जिसके साथ है, यदि सुखी है तो आप भी खुश रहिए। क्या बात है। क्या हुआ भाग्य में यदि अंधेरे मिले, हम किसी ताख के दीप हो जाएंगे। क्या हुआ भाग्य में यदि अंधेरे मिले, हम किसी ताख के दीप हो जाएंगे। हाथ शूलों से छलने भले हो मगर हम मरुस्थल में गुलदार बो जाएंगे। और छूटते हुए अपने प्रियतम से एक वचन लेना कि मुस्कुराते रहोगे, ये वादा करो। क्या बात है। मुस्कुराते कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से आ की आवाज आई है। हाँ, या हृदय की है। हाँ, मुस्कुराते रहोगे ये वादा करो, कोई कह ना सके हम है हारे हुए। क्या बात है। मिले ना क्या मनहर गीत है। वाह, हर छोर से हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, तन मिले ना मिले मन के हर छोर से। और हमेशा से यही होता आया है प्रेम के साथ, सच्चा प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता। ये धरा देख लो, आसमां देख लो, किस तरह निभा रही दूरियां देख लो। प्रेम में देवता तक प्रतीक्षित रहे, गौतमी देख लो, राधिका देख लो, गौतमी देख लो, राधिका देख लो। और अंतिम बंद की अंतिम पंक्तियां सौंपती हूँ, यदि बात ठक से लग जाए तो आशीर्वाद पहुंचे। कि ये धरा देख लो, आसमां देख लो, किस तरह निभ रही दूरियां देख लो। प्रेम में देवता तक प्रतीक्षित रहे, गौतमी देख लो, राधिका देख लो, गौतमी देख लो, राधिका देख लो,
त्याग में हमसे आगे भला कौन है, त्याग में हमसे आगे भला कौन है, हमने वन पर सिंहासन है वार हुए तन में, क्या ऐलान है, वाह, के हर छोर पर हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, मन मिले न क्या बात है ससे, जिंदाबाद ससे, बहुत जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। सर आप आइए, अब लीजिए भाई, फरमाइश आ रही है। सर हम लोग को समय दे दीजिए, ऐसा करिए आपको कोई जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं, हम लोग सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और सुना दो भाई साहब, 5 मिनट का गीत है, बैठिए ना। अरे प्लीज, अरे भैया, अरे बैठ जाइए, अभी कुर्सियां खाली हैं। अरे अरे नहीं नहीं भैया, बहुत जरूरी है तो जाइए, नहीं तो 5 मिनट बैठ जाइए। उन्हें भी पता है कि एक्चुअली उनका, हाँ क्लास है, सही बात, हाँ हाँ हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते थे तो SCL S2 SO4 सब मिला देते थे आपस में। हाँ सर, हम लोग ने बहुत बदमाशियाँ की है, तो इसीलिए मेरा IIT में नहीं हुआ तो, हाँ, और जानते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, तो मुझको क्लियर था कि नहीं होगा। आइए एक गीत और पढ़ते हैं, सुना, गीत के पहले एक मुक्तक पढ़ूं? हाँ हाँ चलिए पढ़ते हैं। ये देख कर राह में मुंह मोड़ तो न लोगे तुम, क्या बात है, देख कर राह में मुंह मोड़ तो न लोगे तुम, सारे वचनों को कहीं तोड़ तो न दोगे तुम, सौंप तो दूं ये जिंदगी तुम्हारे हाथों में, सौंप तो दूं ये जिंदगी तुम्हारे हाथों में, ये बताओ कि कहीं छोड़ तो न दोगे तुम, ये बताओ कि कहीं छोड़ तो न दोगे तुम, ये खोल दूं पट जो नयन के तो उजाले कर दूं, खोल दूं पट जो नयन के तो उजाले कर दूं, अपने बालों से बादलों को भी काले, ओहो क्या बात है, अपने बालों से बादलों को भी काले कर दूं, आज सुनते हो चलो प्रेम में सौदा कर ले, आज सुनते हो चलो प्रेम में सौदा कर ले, तुम मुझे फूल दो मैं दिल को हवाले, मैं दिल को हवाले कर दूं। अब एक गीत मेरे इस बहन के लिए पढ़ते हूँ, बहुत अच्छा सुन रही हैं आप सब भी, सुनिएगा। आपके जीवन में भी कोई लड़की जब आई होगी तो किस तरह छमछम करती आई होगी, बहुत तेजी से, बहुत तेजी, फिर ठहर गई, और ऐसा ठहरी कि इनकी जिंदगी में जो ठहराव आया है। आइए मैं वो गीत पढ़ते सुनना। लड़कियां कैसी होती हैं, चाहे वो प्रेम में हों, अपनी जिम्मेदारियों में हों, कौमार्यावस्था में हों, या फिर विवाह होने के बाद बहुत सारे घर के कर्तव्य निभाती हुई हों, कैसी होती हैं। स्वागत है। कंगनों सी खनखनाती हैं, कंगनों सी खनखनाती है, एक लड़की गीत गाती है, कंगनों सी खनखनाती है, एक लड़की गीत गाती है। और वो गीत क्यों गाती है, कि जब से देखा है नजर भर कर उसे उसके सजन ने, यूं लगा कि प्रीत का न्योता मिला,
न्योता दिया भूखो गगन ने, नींद में भी नींद में भी नींद में भी मुस्कुराती है एक लड़की गीत गाती है, एक लड़की गीत गाती है। और क्या होता है कि छम छमा छम हो रही है पायलों की धड़कनों से, और लट उलझी हुई है बालियों से कुंदनों से, और लट उलझी हुई है बालियों से कुंदनों से, नैन मिलते नैन मिलते नैन मिलते ही लजाती है, एक लड़की गुनगुनाती है कंगनों सी खनखनाती है, एक लड़की गुनगुनाती है। और लड़कियां जब प्रेम में नई नई पड़ती हैं तो उनकी अवस्था कैसी होती है कि याद है पहली छुअन और याद है सपना सुनहरा, क्या बात, याद है बस दो नयन और याद है एक शाम जिंदाबाद, याद है बस दो नयन और याद है एक शाम चेहरा, गिनतियां तक भूल जाती है एक लड़की गुनगुनाती है, गिनतियां तक भूल जाती है, कंगनों सी खनखनाती है एक लड़की गुनगुनाती। वो गिनतियां भूल जाएंगी तो चलेगा, लेकिन लड़के अगर पहाड़ा नहीं पहाड़ा भूल गए तो फिर नौकरी नहीं पाएंगे फिर नहीं चल पाएगा। गीत का अंतिम बंद पढ़ स्वागत है। वही लड़की जब अपने प्रेम को सोचते हुए कल्पना करते हुए घर के कार्यों में दक्ष होती है, व्यस्त होती है, उस वक्त भी कल्पनाओं में क्या चल रहा होता है, अंतिम बंद सौंपती हूं। स्वागत है शशि। कि रोटियों संग प्रेम में चहुं और पगली घूमती है, रोटियों संग प्रेम में चहुं और पगली घूमती है, कल्पना में भीगती है बावरी हो झूमती है, क्या बात, कल्पना में भीगती है बावरी हो झूमती है, नाम लिख लिख नाम लिख लिख नाम लिख लिख कर मिटाती है, एक लड़की गुनगुनाती है कंगनों सी खनखनाती है, एक लड़की गुनगुनाती है। बहुत आभार, बहुत बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और मुझे लग रहा है कि अब जाने का समय भी हो रहा है, मतलब यहाँ से बाहर जाने का। और एक चूंकि समापन पर है कार्यक्रम अपने, तो एक गजल मैं पढ़ देता हूँ, तहत में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि देखो कितनी बदल गई आंखें, देखो कितनी बदल गई आंखें, ऐसा लगता है गल गई आंखें। अच्छा, वाह, आया जहां से तो लगा कि जो है मामला ठीक चल रहा है। देखो कितनी बदल गई आंखें, ऐसा लगता है गल गई आंखें, वाह वाला शेर अगला है। उसने जैसे कहा मैं अच्छी हूँ, उसने जैसे कहा मैं अच्छी हूँ सारे आंसू निगल गई आंखें, वाह वाह। उसने जैसे कहा मैं अच्छी हूँ सारे आंसू निगल गई आंखें, आखिरी बार देख पाता उसे, आखिरी बार देख पाता उसे,
इससे पहले ही जल गई आंखें। वाह, आखिरी बार देख पाता उसे इससे पहले ही जल गई आंखें। पहले तो देर तक वो रोई है, पहले तो देर तक वो रोई है, बाद में फिर संभल गई आंखें। वाह, पहले तो देर तक रोई है, बाद में फिर संभल गई आंखें। और ख्वाब में देखना पड़ा उसको, ख्वाब में देखना पड़ा उसको, ऐसे थोड़ी बहल गई आंखें। ख्वाब में देखना पड़ा उसको, ऐसे थोड़ी बहल गई आंखें। देखो कितनी बदल गई आंखें, ऐसा लगता है गल गई आंखें। बहुत बहुत आभार IIT कानपुर जिंदाबाद। आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ प्रसन्न रहें और हम लोगों को यही बुलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद लोकेश जी और धन्यवाद शशि जी जो हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम समापन करते हैं, और दो मिनट आप लोग वेट करिएगा, मैं ज़रा इन लोगों से मिल लूँ और इसके बाद मैं आता हूँ बाहर। दो मिनट।